गुड इवनिंग दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 22 नवंबर 2017 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नासा ने एक सुपरसोनिक अवतरण पैराशूट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जिसका इस्तेमाल वह वर्ष 2020 में अपने मंगल ग्रह मिशन के दौरान करेगा। नासा के मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमारे पास ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, फ्रैंकलिन, न्यूयॉर्क, क्लिंटन और ग्रीनविले। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाशिंगटन डीसी एक सही आंसर है। आइए नासा के बारे में कुछ और जानते हैं। नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मुख्यालय जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि वाशिंगटन डीसी में है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की एक शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व स्पेस एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। नासा का गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 19 जुलाई 1948 में इसके पूर्वाधिकार संस्था नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स यानी कि NCA के स्थान पर किया था। इस संस्था ने 1 अक्टूबर 1948 से कार्य करना शुरू किया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत ने दोनों देशों के बीच चार्टर्ड और अनुसूचित उड़ानों के चालक दल के सदस्यों को वीजा मुक्त प्रवेश दिए जाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तुम्हारे पास ऑप्शन है आर्मेनिया, अल्बेनिया, समोआ, रोमानिया और रूस। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है रूस यानी कि रशिया एक सही आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, IMD की विश्व प्रतिभाओं की सूची में भारत की रैंक क्या है? तुम्हारे पास ऑप्शन है 52, 51, 53, 54 एंड 55। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 51 एक सही आंसर है। आइए कुछ और जानते हैं। इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इज रैंकिंग बाय 3 नॉट्स टू 51 ग्लोबली इन टर्म ऑफ एबिलिटी टू अट्रैक्ट डेवलप्ड एंड रिटेन टैलेंट, वाई स्विट्जरलैंड टॉप्ड द लिस्ट कंपाइल्ड बाय लीडिंग ग्लोबल बिजनेस स्कूल IMD। ग्लोबली यूरोप कंट्रीज टू डोमिनेट द रैंकिंग विद स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, बल्गेरिया बीइंग इन द मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड नीदरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन एंड लक्समबर्ग एक्सेट्रा मेड अप टू द टॉप ऑफ 10। द एनुअल IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग कवर्ड द 63 कंट्रीज एंड असेस द मेथड ऑफ कंट्रीज अडॉप्टेड द अट्रैक्ट एंड रिटेन द टैलेंट। द रैंकिंग आर बेस्ड ऑन ए कंट्री परफॉर्मिंग इन द 3 मेन कैटेगरीज। जो रैंकिंग है वो मेनली कंट्रीज की यानी कि 3 मेन कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी या डेवलपमेंट होगी या पील एंड द रेडनेस द एंड इंडिया वाज रैंक्ड इन देयर इन 63 एंड 43rd एंड 29th रैंक ऑन दिस टर्म रिस्पेक्टिवली। आइए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, फोर्स ने किसको 2017 में संगीत में विश्व की सर्वोच्च भुगतान पाने वाली महिला नामांकित किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है जेनिफर लोपेज, सलीन डायनोन, बेयांसे एडले और टेलर स्विफ्ट। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर थर्ड बेयांसे एक सही आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि किसको HIV यानी कि और किशोरों के लिए UNAIDS का विशेष राजदूत नियुक्त किया गया? तो हमारे पास ऑप्शन है राहत अब्दुल करीम, क्वारिशा अब्दुल करीम, रहमान अब्दुल करीम, सलीम अब्दुल करीम, शकील अब्दुल करीम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि क्वारिशा अब्दुल करीम एक सही आंसर है। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। भारतीय मूल की मशहूर दक्षिण अफ्रीकी एड्स अनुसंधानकर्ता प्रोफेसर क्वारिशा अब्दुल्ला करीम को HIV और किशोरों के लिए UNAIDS का विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर अब्दुल करीम दुनिया की बेहतरीन
एड्स अनुसंधानकर्ताओं में से एक हैं और उन्होंने युवाओं, खासतौर की किशोरियों में एचआईवी संक्रमण को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे इस संक्रमण से प्रभावित या इस संक्रमण के साथ जी रहे लोगों के अधिकारों की पुरजोर वकालत करती हैं। यूएन एड्स के विशेष राजदूत की एक नई भूमिका में उनका काम मुख्य रूप से किशोरियों और एचआईवी पर केंद्रित होगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आज का हमारा सिक्स क्वेश्चन है कि किसको बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ की सेलिब्रिटी एडवोकेट का दर्जा प्रदान किया गया। तो हमारे पास ऑप्शन है सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी, कृष्णा कपूर और तृष्णा कर्शन। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है तृष्णा कर्शन एक सही आंसर। आइए यूनिसेफ के बारे में कुछ और जानते हैं। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड एक संस्था है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व के जो नष्ट हुए राष्ट्र हैं उनके बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। यूनिसेफ की स्थापना जो है वो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1940 में की गई थी। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और इस संस्था को वर्ष 1965 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। यूनिसेफ को 1989 में इंदिरा गांधी का शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये संस्था जो 190 से अधिक देशों में कार्य कर रही है। देशों में बच्चों को शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देती है। यूनिसेफ बच्चों को शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी प्रदान करती है। यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कार्य करती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट के देखते हैं। आज का हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है कि किसको दूरदर्शन न्यूज़ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो हमारे पास ऑप्शन है राम नारायण, सूर्य प्रकाश, घनश्याम गोयल, ईरा जोशी, बीना जैन। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि ईरा जोशी एक सही आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। हमारा एट्थ क्वेश्चन है कि कौन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ में पुनः निर्वाचित हुए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है एंटोनिया कोस्टो, मैथ्यू रेक्राफ्ट, दलवीर भंडारी, क्रिस्टोफर ग्रीनवुड और क्रिस ह्यूगो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि दलवीर भंडारी एक सही आंसर है। आइए कुछ इनके बारे में और जानते हैं। नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारतीय जज दलवीर भंडारी जज नियुक्त किए गए हैं। भंडारी को दूसरी बार नियुक्त किया गया है। जस्टिस दलवीर भंडारी को जनरल असेंबली में 183 मत मिले हैं। बता दें कि उनको मुकाबले में जो ब्रिटेन के उम्मीदवार थे वो जस्टिस क्रिस्टोफर ग्रीनवुड थे। ग्रीनवुड ने अपनी दावेदारी वापस ले ली, इस वजह से भंडारी चुन लिए गए थे। दलवीर भंडारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1947 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। दलवीर भंडारी के पिता और दादा राजस्थान बार एसोसिएशन के सदस्य भी रहे हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में वकालत भी की हुई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो है पहला भारतीय म्यांमार द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास यानी कि IMBX 2017 में उमरोई संयुक्त परीक्षण नॉर्ड में शुरू हुआ था। हमारे पास ऑप्शन है मेघालय, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि मेघालय एक सही आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो है भारत में सोलर पार्क परियोजना के लिए साझा बुनियादी ढांचा हेतु 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो हमारे पास ऑप्शन है IMF, विश्व बैंक, ADB, NVDB, AIIB। और हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि विश्व बैंक एक सही आंसर है। आइए विश्व बैंक के बारे में कुछ और जानते हैं। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो अमेरिका में स्थित Washington DC में है। विश्व बैंक की 5 जो मुख्य संस्थाएं हैं वो हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि ADA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि IMF, मल्टी लिटल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि MIGA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट यानी कि ICSID। ये जो 5 मुख्य संस्थाएं हैं वो विश्व बैंक के अंडर ही काम करती हैं।
इसमें से आईबीआरडी को विश्व बैंक कहा जाता है, यानी कि आपकी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है उसको जो है विश्व बैंक कहा जाता है। वर्तमान में 180 जो कंट्रीज हैं इस संस्था के सदस्य हैं। विश्व बैंक के सदस्य बनने के लिए उसे आईएमएफ का सदस्य होना बहुत ही जरूरी होता है। शुरुआत में विश्व बैंक बांध निर्माण और राजमार्गों के निर्माण जैसी विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋण देता था। विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है। विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण भी देता है। शुरुआत में विश्व बैंक बांध निर्माण और राजमार्गों जैसी विशिष्ट जो आपकी परियोजना है उनके लिए देता है। भारत में उन्होंने पहली बार विश्व बैंक की तरफ से 1948 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण जो है वो दिया था। ये थे दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करो। दोस्तों कल हम 23 नवंबर के जो डेली करंट अफेयर्स है वो देखेंगे, और साथ ही साथ अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन चाहिए होगा या कुछ और भी वीडियो वगैरह अगर आप चाहते हो कि वो बने उस टॉपिक पे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस टॉपिक का नाम लिखिए। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।